नमस्कार दोस्तों, आप सबका अभियंता रसोई में स्वागत है। आज हम विंटर स्पेशल गाजर का हलवा बनाना देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है, उसको हम बॉईल होने देंगे। तब तक हम कंटिन्यूस इसको स्टर करेंगे। बॉईल होते ही हम उसमें 1 किलो के लगभग गाजर ऐड कर देंगे। गाजर ऐड करने के बाद हम सबको मिक्स कर लेंगे। और ढक के रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम गाजर को चेक कर लेंगे। गाजर का हलवा बनाना काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, तो थोड़ा हमें पेशेंस रखना होगा। इसे हमें कंटिन्यूस स्टर करना पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या ना कि मिल्क जैसे जैसे हमारा थिक होने लगेगा तो वो कढ़ाई में नीचे चिपकने लगेगा अगर आप स्टर नहीं करेंगे। और अगर नीचे चिपकने लगा तो फिर हमारा मिक्सचर जल जाएगा और एंड रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमें कंटिन्यूस स्टर करते रहना है। कुछ मिनट स्टर करने के बाद हमारा जो दूध है वो कम होने लगेगा। देखिए थिक होने लगा है वो धीरे धीरे। तो आपको बस स्टर करते रहना है कंटिन्यूसली। एज यू कैन सी किनारे में भी लगने लगा है, तो जस्ट स्टर इट प्रॉपरली। देखिए कुछ मिनट बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा दूध और गाजर दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। गाजर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम घी का तड़का बना लेंगे। तो उसके लिए हम एक पैन में आधी कटोरी के लगभग घी ऐड कर लेंगे और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से टॉस करके उसको रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही हमारा ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, हम उसे अपने गाजर के हलवे में डाल देंगे और डालते ही उसे मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स ऐड हो जाए। यहाँ पे घी का फ्लेवर आएगा, दूध का फ्लेवर आएगा, हमारे ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर आएगा, गाजर का अपना अलग फ्लेवर होता ही है। तो बस यहाँ पे हमें अच्छे से स्टर करना है और थोड़ी देर बस इन्हें छोड़ देना है। अब हम इधर लगभग 100 से 200 ग्राम के करीब शक्कर डाल लेंगे, या फिर अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर लें गाजर में। और ऐड करते ही हम मिक्स कर लेंगे। हमारा गाजर का हलवा बनकर के रेडी है। सर्व करें ठंडा या गरम। थैंक यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।